हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपकी उषा किचन में, आपकी अपनी किचन उषा किचन में। और मेरी किचन में क्या बन रहा है? कोई ठंडा ठंडा कूल कूल समय कस्टर्ड। तो आइए देखते हैं हम इसे किस प्रकार बनाते हैं। तो यहाँ मैंने गैस को ऑन कर दिया है, गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं डालूँगी 1 स्पून देसी घी, यहाँ घी मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ मैं डालूँगी सेमई, ये मैंने पहले से रोस्ट करके रखी हुई थी, घर पे पड़ी हुई थी, या मैंने रोस्ट कर ली थी, हमें दोबारा रोस्ट करेंगे। और यहाँ बहुत अच्छे से रोस्ट करेंगे और रोस्ट करते जाएंगे। हमें हल्का ही रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट हमें नहीं करना है। और रोस्ट हो चुके हैं और गैस की फ्लेम हमें धीमी रखनी है। अब यहाँ हम डालेंगे दूध। दूध यहाँ मैंने 1 लीटर लिया है, दूध डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। अब यहाँ एक हमें उबाल लेना है, इसमें उबाल आ चुका है। अब यहाँ डालेंगे 4-5 कुटिल सफ़ेद इलायची, अच्छा फ्लेवर अच्छा स्वाद आने वाला है। यहाँ मैं ऐड करूँगी बादाम, यहाँ अच्छे से मिक्स कर देंगे बादाम डालकर। और यहाँ मैं डालूँगी किशमिश, किशमिश अच्छा स्वाद आने वाला है। और बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी चीज़ों को। यहाँ मैं ऐड करूँगी ग्रेट करा हुआ कोकोनट, अब ये हुई अच्छे से मिक्स कर देंगे। कितना अच्छा कलर आ चुका है आप देख सकते हैं। और यहाँ मैं ऐड करेंगे चीनी, चीनी यहाँ मैंने 1 कटोरी डाली है। अगर आप चाहें तो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, आप मीठा ज़्यादा मीठा खाएंगे तो ज़्यादा डाल दीजिए, कम खाते तो नॉर्मल डाल दीजिए। और बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स हमारी हो चुकी है। और यहाँ मैं ले रही हूँ वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर, तो यहाँ मैं ऐड करेंगे 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। आप कोई सा फ्लेवर ले सकते हैं, यहाँ मैं वनीला फ्लेवर ले रही हूँ। और यहाँ मैं डालूँगी दूध, आप चाहें तो पानी में भी घोल सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिया नॉर्मल दूध एकदम, और बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। मिक्स हो चुका आप देख सकते हैं। और यहाँ ऐड करेंगे सिमई के अंदर हम, और धीमे 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 इसे डालेंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि कोई लम्स ना पड़े। बहुत अच्छे से डालेंगे, बहुत प्यार से डालेंगे। यही बातों बातों में सिमई कस्टर्ड हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसे ठंडा करके फ्रीजर में रखने जा रही हूँ। और जब तक ये ठंडा हो रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और यहाँ फ्रीजर में मैंने निकाल दिया है, कितना ठंडा हो गया है आप देख सकते हैं। अब हम करेंगे इसे गार्निश करने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैंने लिया एक ग्लास, कांच का ग्लास। और यहाँ कुछ फ्रूट्स मैंने लिए हैं, यहाँ मैंने बनाना फ्रूट्स लिया है, एप्पल लिया है। तो यहाँ मैं ऐड करूँगी बनाना और एप्पल, यहाँ मैंने ग्लास में डाल दिया है आप देख सकते हैं। अब यहाँ हम डालेंगे ठंडी ठंडी सिमई कस्टर्ड जो हमने बना के रखी हुई थी फ्रिज में। तो हम गार्निश करते हैं, ये मैंने ग्लास में डाल दी है आप देख सकते हैं। कितना प्यारी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है, इसे देखते ही मेरा तो खाने का मन कर रहा है। गर्मी में कुछ समझ ना आए तो ठंडा ठंडा सेमी कस्टर्ड बनाइए, घर के कुछ ही रखे हुए सामानों से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना। और यहाँ मैं ऐड करूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, बादाम। अब मैं कुछ ऐड करूँगी फ्रूट्स,